बिजट ताल स्टेडियम में कबड्डी टूर्नामेंट का शुभारंभ प्रदेश युवा कांग्रेस महासचिव अभिषेक राणा ने किया। इस प्रतियोगिता का आयोजन बड़सर एनएसयूआई इकाई द्वारा किया जा रहा है। ये प्रतियोगिता 2 दिन तक चलेगी। इस प्रतियोगिता में जिला की 8 टीमें भाग ले रही हैं, जिसमें विजेता टीम को 11,000 और ट्रॉफी दी जाएगी, जबकि उप विजेता को 81,000 रुपये दिए जाएंगे। इस मौके पर युवा कांग्रेस प्रदेश महासचिव अभिषेक राणा ने कहा कि बिजड़ में जो कबड्डी प्रतियोगिता शुरू की गई है, इसमें युवाओं में खेल के प्रति भावना बढ़ेगी और युवाओं को नशा छोड़कर खेलों के प्रति जागरूक किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि वर्ष 2019 में भारत विश्व में युवाओं का देश बनने जा रहा है। इस अवसर पर एनएसयूआई के महासचिव रूबल ठाकुर, बड़सर युवा कांग्रेस अध्यक्ष विशाल राणा, संदीप संख्यान सहित बड़सर युवा कांग्रेस मीडिया प्रभारी विशेष रूप से मौजूद रहे। आज यहां पर बड़सर विधानसभा में बिजड़ में ये जो कबड्डी का टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, एनएसयूआई के जो हमारे यहां पर यूनिट है और खासकर रूबल जी जो है उनके माध्यम से मैं इन सबका यहां पर धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आज हमने युवाओं को यही कहा कि जिस तरह वो खेल को बढ़ावा दे रहे हैं, और हम यही उम्मीद करते हैं कि इससे ये संदेश लेकर जाएंगे कि खेल को जो है प्रोत्साहित करें, फिटनेस को जो है वो आगे बढ़ाएं और जो नशे से हैं वो युवा दूर रहें। आने वाले समय में 2019 में हमारा जो देश है वो सबसे नौजवान देश बनने जा रहा है पूरे विश्व में, और उम्मीद करते हैं कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम जैसे कई युवा जो हैं काम करें और एक अच्छा संदेश और अच्छी सोच जो है आने वाले समय के लिए समाज में छोड़ कर जाएँ। यही आज हम ये संदेश देना चाहते हैं।